बात कर रहे हैं कि समर गेम जो है हमारा जो है 21वीं सदी के कौशल के आधारित रहेगा, कि अभी जो आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 21वीं सदी के जो कौशल से उन पे जितना जोर दिया जा रहा है उसी के आसपास हम समर कैंप को देख रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की कला आधारित को शामिल कर रहे हैं। उसके बाद सकारात्मक वातावरण में टीम वर्क और सहयोग कैसे किया जाए उस पर हम बच्चों को एक लेवल की समझ विकसित करने का काम कर रहे होंगे। सांस्कृतिक और विविधता को लेकर किस तरीके से देखा जाता है, बच्चों को किस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो टीम वर्क की हम बात कर रहे हैं वो हमें समर कैंप करेंगे तब हमें शायद देखने को मिले। रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति और कलात्मक कौशल को बढ़ावा देना इस समर कैंप का उद्देश्य है। उसके बाद अगर हम बात करें कौशल अधिग्रहण और सीखना और प्रदर्शन कला में कौशल विकसित करना, जो हमारा 21वीं सदी के जितने भी हमारे कौशल्स हैं कहीं ना कहीं हम उनको कवर करने की कोशिश इस गेम के माध्यम से कर रहे होंगे। इसमें बच्चे खेल खेल के माध्यम से इन निम्न कौशल को प्राप्त कर रहे होंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं थीम की ना, तो मेरी आवाज आ रही होगी सभी को। थीम जो हम बात कर रहे हैं, हमने काफी थीम यहाँ पे सेलेक्ट की थी, सर के साथ मार्गदर्शन हमें मिला है इस पे, और हमने हाँ लास्ट में जब फाइनल किया है तो जो हमारी थीम रहेगी, हाँ, योगा एक थीम हम सेलेक्ट कर रहे हैं। योगा और गेम से रिलेटेड फिजिकल लिटरेसी को लेकर हम यहाँ पे देख रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रॉइंग, पेंटिंग, ये भी हमारी एक थीम को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। डांस, ड्रामा, देवकी जी, म्यूजिक, आपकी आवाज थोड़ा बहुत मीडियम, मतलब बहुत लो आ रही है, सो पीपल आर अनेबल टू लिसन। थोड़ा सा कुछ ओके ओके, मैं वापस ट्राई करता हूँ। तो ये थीम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, थीम की हम बात कर रहे हैं। तो हम थीम में यहाँ पे हम 5 थीम को लेकर जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ थीमों को मर्ज किया है। पहली थीम की अगर हम बात करें तो योगा और गेम, फिजिकल लिटरेसी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, उन थीम्स के आधार पे भी हम थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली थीम की हम बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रॉइंग, पेंटिंग से रिलेटेड हम थीम वहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने स्कूल के लिए। डांस एंड ड्रामा म्यूजिक एक कंपाइल हमने किया है, तीनों को मिक्स करते हुए हमने एक थीम का निर्माण किया है। ये थीम भी हम वहाँ पे अपने स्कूल के लिए चूज कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर भी एक थीम हमने बनाया है, उसको लेकर भी हमारे पास कंटेंट है, और बच्चों की कैसे पर्सनालिटी डेवलप हो उसको लेकर हम समर गेम में कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं, तो ये थीम भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, साइंस के प्रोजेक्ट्स हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो हमारी मेजर थीम है। थीम्स को अगर हम देखते हैं डिटेल में किस तरीके से हम एक्टिविटीज हमारी होगी, तो हम आगे के स्टेप में इसको देखते हैं। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक विद्यालय को हम 2 थीम पर काम करने के लिए करेंगे, कि या तो एक ही थीम के साथ बढ़े या अधिकतम 2 थीम वो अपने स्कूल के लिए चूज कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से 10 दिन के अंदर इन सारी चीजों को कवर अप कर पाएंगे और बच्चों को मजा भी आएगा इन सारी चीजों को करते हुए। योगा के लिए हम बात कर रहे हैं, तो योगा के लिए हम प्राणायाम है ना, सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज लेके जाने वाले हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की हम बात करेंगे तो क्ले क्ले डिजाइनिंग, रिसाइक्लिंग वेस्ट है ना, लिप आर्ट, बम्बू आर्ट, एनिलो कलर है ना, जो भी आप अपने टीचर्स हैं या जो भी हम बाहर से ट्रेनर्स की हम बात कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से भी इनमें एड ऑन कर सकते हैं। डांस की हम बात करें तो वेस्टर्न डांस हो गया, क्लासिक डांस हो गया, लोकल डांस हो गया, और भी हमारे कोई टीचर्स अगर इसमें निपुण है और भी अपने हिसाब से बच्चों को कुछ करवाना चाहे तो उस पर भी हम इस पर देख सकते हैं। ड्रॉइंग पेंटिंग की अगर हम बात करें तो स्टोन पेंटिंग हो गया, इंटरेस्टिंग पेंटिंग हो गया, अदर स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, मधुबनी की कुछ पेंटिंग्स हो गए, इस टाइप की कुछ पेंटिंग्स हम ले सकते हैं। ड्रामा की अगर हम बात करें तो ड्रामाज बाय फेमस राइटर है ना, शेक्सपियर, रोल प्ले, या लोकल भी आप देखेंगे ड्रामाज में तो बहुत सारे मिलेंगे, हम सजेस्ट करेंगे उनके आधार पर काउंसलिंग वहाँ पे करवा सकते हैं। निवेदन था थोड़ा सा, अगर आप म्यूट कर लेंगे तो सभी साथियों को अच्छे से आवाज आएगी और सभी हमारे इसको सुन पाएंगे। बराबर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पब्लिक स्पीकिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिसर्च बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पे एक डिस्कशन मोड में जाएंगे और कम्युनिकेशन स्किल उनकी बिल्ड होगी, बहुत सारी और भी हमारे पास इसका कंटेंट है, वो भी हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी हम इसमें प्रतिथियों को आमंत्रित कैंप के दौरान अच्छा प्रदर्शन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। तो जो 10 दिन का हमारा पूरा कैंप रहेगा, उस कैंप में हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे 10 दिन ऑब्जर्व करें और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनकी चीजों को कलेक्ट करें, और एक और पूरे डिपार्टमेंट के लिए या सबके लिए अच्छा हेल्पफुल और स्टोरी हम इसको कवर अप कर पाएंगे।
ये उसके बेटा बाद है अगर कि हम क्या देखते बोलते हैं हैं इसका हाँ, अब इसको हमने 2 महीनों के हिसाब से हमने रखा है कि 2 महीने के अंदर हमें समर कैंप करना। समर कैंप हमारा 10 दिन का है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता है। और ड्यूरेशन में हमें जो ड्यूरिंग के पीरियड में हमें कुछ स्टेप ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, तो वही हमारा रहेगा कि जैसे हम उन्मुखीकरण की हम बात करें तो ओरिएंटेशन हमारा चल रहा है, उसके आधार पर हमने कुछ थीम्स आपके साथ सेलेक्ट करके शेयर की है। वो थीम सिलेक्शन हमें अप्रैल महीने महीने में ही कवर करना है। थीम्स के आधार पर हम शिक्षक और जो भी हमें बाहर से ट्रेनर्स हमें मिल रहे होंगे उनको हम कंबाइंड करके पर्टिकुलर टॉपिक पर उनको अच्छे से हम ब्रीफ करेंगे और पूरे कंटेंट को उनको समझाएंगे, ताकि किस तरीके से प्रतिदिन का हमारा एक प्लान रहे और उसके हिसाब से हम उसको समर कैंप को क्वालिटी के साथ कंडक्ट कर पाए। उसके बाद जैसे हमारा शिक्षक और ट्रेनर्स का आमुखीकरण हो जाएगा, उसके बाद में हम विद्यालय लेवल पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, कौन कौन से बच्चे हमारे समर कैंप में भाग ले रहे हैं। क्योंकि समर कैंप का समय रहता है तो अधिकतर हमें देखने को मिलता है कुछ बच्चे अवेलेबल नहीं रहते हैं, उस हिसाब से हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम कर रहे होंगे। थीम के आधार पर कि पर्टिकुलर मान लीजिए हमने एक गेम वाला कोई थीम लिया, तो गेम के लिए कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, उसमें कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, ड्रॉइंग के लिए कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमने किया है, इस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। और फिर हमें थोड़ा सा एक कैंपेन के टाइप से थोड़ा सा हमें गाँव में प्रचार कुछ करना रहेगा, ताकि हमारे जो भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं बच्चे हैं या वो अटेंडेंस हमारे इंश्योर हो पाए, उसके लिए हम थोड़ा सा अप्रैल महीने में ही कुछ चीजों को कर रहे होंगे। मई की अगर हम बात करें तो हमारे जब ड्यूरेशन जब हमारा हम बात करेंगे कि 10 दिन का जो रहेगा समर कैंप में, उसमें गांधी फेलो और जिला स्तर से जितने भी अधिकारीगण हैं या स्टेट लेवल से जो अधिकारीगण हैं वो लोग फील्ड विजिट कर रहे होंगे या समर कैंप को देख रहे होंगे, देखने के बाद कुछ फीडबैक्स या सपोर्ट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं उस पर काम कर रहे होंगे, और चल रही गतिविधियों में सुधार और फीडबैक की हम बात करें तो उसमें वो कर रहे होंगे। उसके बाद हम बात करें 10 दिन का, जब हमारा समर कैंप कंप्लीट हो जाएगा उस हिसाब से हम जब हम बात कर रहे थे कि प्रदर्शनी की है ना, एक क्रिएटिव कॉर्नर हम बनाए स्कूल में, कम्युनिटी को दिखाएं और पेरेंट्स को दिखाएं, ताकि और इसको कवरेज करें ताकि एक स्टोरी में हमारी बने, क्योंकि हम काफी इसमें हमारा एफर्ट हम सब लोग मिलकर इसमें डालने वाले हैं, तो ये हमें काफी हेल्पफुल रहेगा। और जो बच्चों ने अच्छा किया उनको हम प्रोत्साहित करें है ना, स्टेट लेवल से भी जो स्कूल अच्छा करेंगे उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ये हमारा मई काम रहेगा इसमें। अब बात करते हैं कि एज ए प्रिंसिपल स्कूल्स के लिए समर कैंप को लेकर हमारी हमें किन किन बिंदुओं पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, तो स्कूल से रिलेटेड बजट जो भी इसमें खर्च होने वाला है उस पर हमें थोड़ा सा देखना रहेगा, और जो भी थीम हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास सामग्री उपलब्ध है या नहीं है, या हम बात करें कि उस स्पेशलिस्ट टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, या क्या हमें बाहर से कोई प्रशिक्षक की आवश्यकता है तो वो हमें ढूंढना है, वो भी जो भी फैसिलिटी हमें अवेलेबल करनी है वो ढूंढना रहेगा, उसमें हमारे गांधी फेलोज भी आपका सहयोग कर रहे होंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की उपस्थिति के लिए जो हम कैंपेन की हम बात कर रहे हैं कि पहले से हम प्रचार प्रसार कुछ इसका करें, कुछ पोस्टर बनाएं, वो चीजों के लिए भी टीचर्स को हम ओरिएंट करेंगे, तो थोड़ा सा इसका हमें फॉलोअप थोड़ा सा टीचर्स के साथ लेना रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि चयनित थीमों के आधार पर जो हम बात कर रहे थे प्रशिक्षक ना, तो कोशिश करेंगे कि हमारे अधिकतर से टीचर्स ही इसमें शामिल हो जाएं, बट कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे टीचर्स अवेलेबल नहीं है या हमें बाहर से हमें कुछ और बेहतर थीम के आधार पर चीजों को करने की आवश्यकता है, तो हम बाहर से भी देख सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो भी अधिकारी रहेंगे वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। ये कुछ मॉड्यूल है ना जिसपे हमने आगे सारी थीम में जो हमें बताई है वो सारी थीम मॉड्यूल पे कवर हो रही होंगी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि टीचर्स का हम इस पर ओरिएंटेशन करने वाले हैं, तो ऑनलाइन ही ओरिएंटेशन रहेगा, एक्सक्यूज टीचर और बाहर से जो भी हम ट्रेनर हायर कर रहे मी हैं। देवकी नंदन जी, आप प्लीज थोड़ा सा बीच में हम इंटरप्ट कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। अभी श्री राजीव सिंह तोमर सर, एडिशनल डायरेक्टर, वो एड्रेस करेंगे सभी को, उसके बाद आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाइएगा प्लीज। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके थैंक यू। अभी हमारे तो हम बात कर रहे थे कि जो ओरिएंटेशन रहेगा टीचर्स और जो भी ट्रेनर्स हम बाहर से देख रहे होंगे,
उनको हम कंबाइन करके और पर्टिकुलर जो मॉड्यूल्स हैं हुए हमारे हैं, चल रहा उनमें है। सारी थिंग्स हम कवर कर रहे हैं, उन पे हम ओरिएंटेशन दे रहे होंगे ताकि सभी लोग एक स्तर पे रहे और जो भी थीम के ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनका ओरिएंटेशन कर रहे होंगे। उसमें विजुअल आर्ट्स का मॉड्यूल्स है हमारे, हाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स के मॉड्यूल्स है, फिजिकल लिटरेसी के कुछ मॉड्यूल है, पीबीएल के मॉड्यूल्स है, हम सारे थीम्स को कवर कर रहे होंगे और डिटेल के साथ हर टीचर्स के साथ उसमें हम कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। इसके साथ में हम बताना चाहेंगे कि इसका डेली बेसिस पे इंटरेक्शन हम सारे टीचर्स के साथ कर रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 गांधी फेलोज अवेलेबल है, वो भी कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। और स्टेट लेवल से भी टीचर्स के पास हम यहाँ से कॉल के माध्यम से बातचीत कर रहे होंगे ताकि समर कैंप के दौरान किसी प्रकार का कोई अगर चैलेंज आता है तो हम उसको रिसोल्व कर सकते हैं ना। तो सारे मॉड्यूल्स है, इसमें हम डिटेल के साथ में नेक्स्ट जब ओरिएंटेशन करेंगे इसमें हम देख रहे होंगे। अब एक एक और हम देख रहे थे इसमें कि थीम सब हम आधार का थीम्स जो हम बात सारी ले रहे हैं तो एक एक्सेल गूगल शीट आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी जिसमें आप अपने अपने स्कूल्स के सामने जो इन्फॉर्मेशन अभी मैं प्रेजेंट करके दिखा दूंगा आपको वो आप जरूर फिल करिएगा। अब ये जो समर कैंप है हमारा, समर कैंप 10 दिन के होने के बाद हम इसमें हम कुछ आउटकम्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद 10 दिन क्वालिटी के साथ करने के बाद हमारे पास कुछ आउटकम हमें मिले। जिसमें स्टूडेंट लेवल पे कुछ आउटकम है, करिकुलम लेवल कुछ आउटकम है और स्कूल लेवल पे कुछ आउटकम्स हमें देखने को मिले। स्टूडेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो 21st सीसी स्किल्स के अराउंड इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चों का ताकि आने वाले हमारे जितने भी गोल्स रहेंगे स्टडी के दौरान तो इंटरेस्ट के साथ फुल फिल हो पाएंगे। टीचर्स भी हमें ऐसे आइडेंटिफाई हो पाएंगे कि 21st सीसी के अराउंड में उनकी क्या स्किल्स है तो हम उनको आगे हमारे जो भी एक्टिविटीज हमारी होने वाली है रेगुलर बेसिस की उनमें हमें काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। करिकुलम लेवल पे भी हम देख रहे हैं तो हमारे टीचर्स जो हमें एक एक एक्सपीरियंस भी करेंगे और एक अलग अलग लेवल की स्किल्स हमारे देख सामने देखने को मिलने वाली है। स्कूल्स के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनने वाला है, रिसोर्स की मैपिंग की जो हम स्टूडेंट और करिकुलम लेवल में भी बात कर रहे हैं वो मैपिंग भी हम कर पाएंगे। ये सारी चीजें हम इस आउटकम में देखने वाले हैं। अब बात करें हम स्कूल्स की ये कुछ स्कूल्स के नाम हमने आप लोगों के साथ शेयर किए होंगे ना, और उसमें हमें क्या करना है अपने स्कूल के नाम के सामने से स्कूल गूगल शीट आपके पास मिलेगी जिसमें आपके स्कूल के सामने अपने प्रिंसिपल का नेम मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद कितनी तारीख से जो हम सर ने भी बताया कि हम 20 से 30 मई के बीच में ये समर कैंप करने वाले हैं तो स्टार्टिंग डेट हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद जो हमने बताया था इसमें कि हम 2 थीम्स के साथ बढ़ रहे होंगे तो थीम 1 कौन सी रहेगी हमारी वो हम यहाँ पे डालेंगे। उस थीम में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनका नंबर हम यहाँ पे डालने वाले हैं और कौन से टीचर्स हमारे उस थीम के साथ वो लीड कर रहे होंगे उनका नाम मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। क्या वहाँ पर हम एक्सटर्नल ट्रेनर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे नीड है तो हम उस टीचर स्टूडेंट ट्रेनर्स का नाम और उसका इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर कर रहे होंगे। यही एंड खड़े एज इट इज पास थीम 2 पे भी हम सीख फोटो लेंगे, दो खींच थीम ले रहे हैं लेना। हाँ ना। ये आर डॉक्यूमेंट सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप्स के माध्यम से और नंबर ऑफ थीम में अभी हम ये देख रहे हो लास्ट में इसमें कॉलमेट किया कितनी तारीख को हमारा कैंप एंड हो रहा है। तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी इसमें सर का कुछ मार्गदर्शन रहेगा तो हम इसमें ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी इसको एक बार देखिएगा, देखने के बाद इसमें जो भी आवश्यक जानकारी उसको जरूर आप फिल करिएगा। समर कैंप को लेकर अभी हमने जो डिस्कशन किया उससे रिलेटेड किसी भी का कोई भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हैंड रेस करके भी आप अपना बता सकते हैं ताकि हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम आंसर कर पाए आपको। और तो मतलब ये तो है ना।